आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। बात करूंगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सामना की। जी हां, सामना ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने जो अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई थी, 17 पार्टियों की मीटिंग अभी जो पटना में हुई थी, उसको लेकर के जो अमित शाह ने कमेंट किया था और जो बीजेपी कमेंट कर रही है उसका भरपूर जवाब दिया है और इसको वैगनर ग्रुप करार दिया है और कहा है कि जिस तरीके से रूस में पुतिन भागने पर मजबूर हुए हैं और वैगनर ग्रुप ने उन्हें भगाया है, उसी तरीके से अब देश में पीएम प्रधानमंत्री मोदी भी भागेंगे, उनको भी भगाने का काम किया जाएगा। जी हां, ये सामना ने अपने संपादकीय में कहा है कि पुतिन की तरह मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के राजधानी पटना में जो मीटिंग हुई है, जो हम लोग मिल के बैठे हैं, ये दरअसल वैगनर ग्रुप है और यही मोदी को भगाने का काम करेगा। उन्होंने अमित शाह पर भी जोरदार हमला किया है। दरअसल अमित शाह ने ये जो पटना में मीटिंग हुई थी अपोजिशन पार्टियों की, इसके सिलसिले में अमित शाह ने कहा था कि ये सिर्फ फोटो सेशन है, इसके अलावा कोई दम नहीं है। अब इस पर इन्होंने जवाब दिया है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या है। और इसी बात को लेकर के जो इदारिया है, सामना का जो एडिटोरियल है, उस पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि आज जो पुतिन का देश है, वहां की क्या सूरत हाल है देखिए, वहां खाना जंगी मची हुई है, वहां तख्ता पलट होने जा रहा है और यही अब हिंदुस्तान में होगा। उन्होंने कहा कि वैगनर सेना जो है वो किसने तैयार की थी, पुतिन ने तैयार की थी। उन्होंने अपनी जाति एक सेना बनाई थी वैगनर ग्रुप के नाम से, लेकिन आज देखिए कि वही वैगनर ग्रुप उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहा है, वही कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और यही हिंदुस्तान में होगा। सामना में लिखा गया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ खास लोगों को अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार किया है, आने वाले दिनों में यही लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। ये बड़े साफ साफ लफ्जों में ये बात लिखी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके की तानाशाही उन्होंने रूसी जो सदर हैं पुतिन को कहा है कि वहां पे जो चुनाव होते थे वो महज दिखावा था, वहां छल और कपट के जरिए चुनाव कराए जाते थे और जीत हासिल कर ली जाती थी, लेकिन अब सारी पोल खुल गई है और वहां जो हश पुतिन का हो रहा है वही हश अब हिंदुस्तान में, जी अब हिंदुस्तान में मोदी और भाजपा का होगा। यहां पर भी वैगनर ग्रुप जो है वह एक्टिव होगा और इनको हटाने का काम करेगा। यहां जो तानाशाही की जा रही है ये सब खत्म हो जाएगा। दरअसल आपको मालूम है कि ये पूरा मामला जो वैगनर ग्रुप करार दिया है, दरअसल पिछले दिनों यहां पटना में, जो कौमी राजधानी है पटना बिहार की, वहां एक बड़ी मीटिंग हुई थी, 17 पार्टियों के लीडरान ने उसमें शिरकत की थी, उसमें राहुल गांधी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, उसमें शरद पवार और उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और इस कबील के कई अहम लीडरों ने वहां पे शिरकत की थी और वहां कई अहम फैसले भी लिए गए। अगली मीटिंग शिमला में होनी है 10 और 12 जुलाई के बीच में, यानी दूसरी मीटिंग वहां पे होगी जिसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस मीटिंग में भी 450 सीटें तय की गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं और यह तय हुआ है कि एक के सामने एक, यानी जहां 450 सीटें, जो कुल आपको मैं बता दूं कि जो सीटें हैं हिंदुस्तान में वो 543 सीटें, और सरकार बनाने के लिए जो जदुई आंकड़ा है वो 272 का है। अब ऐसे में 450 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी जो है वो सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती, गलबन वो 450 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 450 सीटों को आइडेंटिफाई किया है अपोजिशन ने और ये तय किया है कि एक के सामने एक ही चुनाव लड़े गया। और इसमें यह भी तय हुआ है कि जहां जिस रियासत में
जिस सूबे में जो पार्टी मजबूत है उसी को कयादत दे दी जाए। मिसाल तौर पर अगर मगरबी बंगाल में देखें तो ममता बनर्जी की टीएमसी मजबूत है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो बतौर अपोजिशन प्रिंसिपल अपोजिशन यहाँ पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वो मजबूत है। अगर आप बात कर लें इसके अलावा दिल्ली और पंजाब की तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं और यहाँ पे ये मजबूत है। इस तरीके से एक माहौल बनाया जाए केरला में या और दूसरी जगहों पे, और कांग्रेस से ये कहा गया है कि आप यहाँ पे इनको जिम्मेदारी दे दें, इनकी कयादत में जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। तो ये पूरी तैयारी जो है रणनीति बनाई जा रही है और ये साफ कर दिया, राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस बार मोदी जीतने वाले नहीं है, इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है। अब ऐसे में अलग अलग तरीके के कमेंट सामने आ रहे हैं, तो इस पर अमित शाह ने भी कहा था कि ये फोटो सेशन है, इसके अलावा इस मीटिंग की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन सदाकत ये नहीं, सच्चाई ये नहीं है। बीजेपी काफी घबराई हुई है, काफी परेशान है और यही वजह है कि अब बीजेपी भी छोटे छोटे लीडरों से बात कर रही है। जो मणिपुर में खामोशी थी वो खामोशी टूटी, आप देखिए खुद अमित शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और इस मसले पर बात किया। अभी जब मिस्र के दौरे से अमेरिका और उसके बाद मिस्र के दौरे से जब प्रधानमंत्री लौटे तो उन्होंने जेपी नड्डा को बुलाया, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया, जेपी नड्डा और अमित शाह से पूरे जो मामला थे हिंदुस्तान के उस पर बातचीत की, खासतौर से मणिपुर पर बातचीत की। तो ये तमाम चीजें जो है आप देखिए, इसका मतलब यह है कि बीजेपी में भी घबराहट है, बीजेपी में भी खौफ है और उसको ये पता है बीजेपी को कि पटना में जो कुछ हुआ है वो महज फोटो सेशन नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, बड़े इश्यूज उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से सतपाल मलिक बार बार पुलवामा का मामला उठा रहे हैं, बार बार जिस तरीके से वो पहलवानों का मामला उठा रहे हैं, वो भी देखने से ताल्लुक रखता है, वो कम अहम बात नहीं है। फिर अभी केदारनाथ में जो कुछ हुआ है वो भी अहम है। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो मोदी जो है, मोदी सरकार और बीजेपी वो घिरती जा रही है और लाजवाब होती जा रही है। और सामना ने लिखा है और सामना ने कहा कि वही लोग जिस तरीके से वैगनर ग्रुप, आपको मैं बता दूं कि वैगनर ग्रुप क्या है, दरअसल वैगनर ग्रुप जो है वो रूस की एक प्राइवेट आर्मी है जिसने अभी हाल ही में बगावत कर दी थी, उसके सरबराह जो है उन्होंने बगावत कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि जो वैगनर ग्रुप के सरबराह है उन्होंने बात मान ली है और फिलहाल जो है वो चढ़ाई करना उन्होंने बंद कर दिया है। खबर यह भी आई थी और खबर में सच्चाई थी कि पुतिन जो है वो रूस से भाग खड़े हुए थे, पुतिन को डर था कि कहीं उन पर हमला न हो जाए और कहीं मास्को पर कब्जा न हो जाए, इसलिए वो मास्को छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है और जो खाना जंगी की सूरत थी वो टल गई है, इसीलिए ये जो कह रहे हैं सामना में जो लिखा गया दरअसल उसी को जोड़ करके कहा गया है कि जो रूस में हुआ है वही हिंदुस्तान में होगा। बहरहाल क्या होगा हिंदुस्तान में ये हम अपडेट देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।